हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का एक बार फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जो एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके पहले जितने क्वेश्चन हैं, अगर पर्सनली मैं इस एक्सरसाइज की बात करूँ तो एक वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड कराया, आज दूसरा वीडियो लेक्चर रहेगा। एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं और 6 नंबर तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराया। ठीक है, तो वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको ये वीडियो का लेक्चर आपको कैसा लगा और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। देखना मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखना कि x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी बटे में अंडर रूट कॉस 2t और y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी बटे में कॉस 2t। ये आपका क्वेश्चन है। तो एक बार हम x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, फिर सेकेंड बार हम y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों से हम dy बाई dx लाएंगे। ठीक है, ये तो करते हैं अभी तक ना, फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें। देखना दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, लिखेंगे सबसे पहले नाउ। ठीक है, देखना थोड़ा सा मैं छोटा लिखूंगा जिससे कि ये सभी क्वेश्चन इसी मतलब बोर्ड पर आ जाए। ठीक है, देखना यहाँ पर लिखेंगे dx by dt, बिल्कुल लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे d by dt ऑफ, हम y को अभी x को लेकर चल रहे हैं, बाद में y को करते हैं। ठीक है, साइन क्यूब t और बटे में आपका हो जाएगा cos 2t। अब बताओ कुछ आपको समझ में आ रहा है यहाँ से? हमें लगता है आपको आ रहा होगा कि न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। कैसे लगेगा देखो, अभी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा dx by dt, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। देखो, न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर, अंश बटे में हर, करते क्या है कि डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर का, माइनस का सिंबल लगाते हैं, न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट करते हैं और टोटल के बटे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। सिंपल सी भाषा है। देखना कि अंडर रूट कॉस 2t को हम छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब t को। ठीक है मेरे भाई, सिंबल लगाएंगे माइनस का, साइन क्यूब t को छोड़ेंगे, d बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी टी अंडर रूट कॉस 2t। यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे। अब बटे में टोटल का बटे में हम लिख देंगे क्या, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल मैंने फार्मूला डिफाइन किया। ठीक है, उसी फार्मूले के तहत मैंने क्वेश्चन को रख दिया। अब देखना, जब हम dx by dt लिखेंगे इधर तो कंपलसरी है ये। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पर तो हो जाएगा रूट कॉस 2t, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। देखना मेरे भाई कि साइन क्यूब टी को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, साइन टी की पावर 3 लिख सकते हैं, बताओ कोई इसमें दिक्कत नहीं ना। तो साइन टी की पावर 3 को देखो एक्स की पावर एन के फॉर्म में बन गया। अब जब क्या होता है फार्मूला, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब पावर आगे आता है और पावर में से एक कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 3 आगे आएगा, साइन टी आपका रही जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब 3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना मेरे भाई कि अभी तक हमने केवल और केवल पावर का डिफरेंशिएशन किया है, ना कि साइन टी का, तो साइन टी का फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन टी इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो, माइनस लगाए माइनस लगाएंगे, साइन क्यू टी ऐसे ही रहने देंगे। समझने वाली बात कि यहां पर है डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस 2t। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह कॉस 2t। यहां भी वही बात कि हमने अभी डिफरेंशिएशन किया रूट का। ठीक है, रूट का किया, अभी जो उसके अंदर है मतलब कॉस 2t है उसका डिफरेंशिएशन हमने नहीं किया,
तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी टी ऑफ हो जाएगा कॉस 2t, ठीक है मेरे भाई। और टोटल के बटे में हम लिख देंगे क्या, ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल और केवल आपका बचा कॉस 2t, समझ पाए बात आप। अब देखना जब हम dx by dt और देखेंगे, तो देखना मेरे भाई समझने वाली बात अभी नहीं, नेक्स्ट लाइन से, अभी तो ऐसे ही कॉस 2t इंटू में देखो 3 आ गए, बिल्कुल है। देखो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी, बताओ किसी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो तो बताना, साइन टी की पावर 2 बचेगा, साइन टी की पावर 2 बचेगा, जैसे यहाँ पर किया था साइन क्यूब टी को साइन टी की पावर 3, अगर इस तरह से हुआ तो इस तरह लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या था साइन टी की पावर 3, इस तरह से था, हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया, ठीक है मेरे भाई। देखो अब ये चीज़ समझ पाए होंगे आप, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस टी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस टी। अब कहेंगे जब टी का फिर करना पड़ेगा, तो टी का होता है 1, डी बाई डी टी, डी टी अपॉन में टी, ठीक है, डी टी अपॉन में डी टी का हो गया 1, तो उसको नहीं लिखेंगे। देखो माइनस का सिंबल लगाएंगे, साइन क्यूब टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, साइन क्यूब टी इंटू में 1, तो साइन क्यूब टी ही होगा, और बटे में आपका हो जाएगा 2√ में कॉस 2t, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात कि कॉस 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन 2t, बिल्कुल साइन 2t, देखना मेरे भाई हमने कॉस का डिफरेंशिएट किया है ना कि 2t का, ठीक है, तो कॉस कॉस का किया तो माइनस का साइन 2t आया, और जब 2t का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सभी के बटे में क्या हो जाएगा बताना, टोटल के बटे में अभी आपका कॉस 2t बचा हुआ है, ये तो कह रहा है कि भैया मैं तो हूँ ही अभी ना। देखो यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे था कैंसिल हो गया, देखना अब क्या बचा, जब ये कैंसिल हो गया तो अभी ये बटा मत देखना, ये जो टोटल का बटा इसको मत देखना, यहाँ पर समझना कि इस जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में, मतलब रूट कॉस 2t इंटू में 3 sin² t इंटू में कॉस टी बटे में 1 माइनस का sin³t बटे में रूट कॉस 2t इंटू में -sin²t। तो अब क्या करोगे बताओ, अभी टोटल का जो बटा है उसको ना देखो, ठीक है, मैं समझाऊंगा हर एक चीज़ ताकि कभी भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखना पहले हम बटे लगाएंगे 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 का और कॉस 2t का, तो क्या होगा बताओ मेरे भाई, कॉस 2t रूट का कॉस 2t होगा, बिल्कुल ना। अब देखो जब 1 से डिवाइड कराएंगे रूट कॉस 2t का तो कितना आएगा, रूट कॉस 2t ही आएगा, 1 से 4 जिसमें डिवाइड कराओगे वही आएगा, ठीक है, तो रूट कॉस 2t का यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है ऊपर में, तो देखो रूट कॉस 2t और रूट कॉस 2t, तो कॉस 2t हो जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा, बताओ वही चीज़, क्योंकि वही दो बार रहेगा सेम सेम ईयर, जैसे रूट एक्स इंटू में रूट एक्स तो क्या होता है एक्स होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ भी हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इंटू में 3 sin² t इंटू में कॉस टी, ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर सिंबल लगा देगा प्लस का, ठीक है। अब देखो जब कॉस 2t और कॉस 2t मतलब रूट में, तो दोनों कट के क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई जब ऊपर होगा तो वही रहेगा, ठीक है, तो sin³t और इंटू में sin²t, ये आपका बचा। अब देखने वाली बात कि अभी इसके बटे में कॉस 2t तो बचा ही है, ठीक है, ये बचा, तो देखना मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान से लैंग्वेज में, अगर बटे में इसके 1 कर लें, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, तो मैंने बताया था जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर और बीच वाले का बीच से, यही तो बताया था ना, यही तो बताया था, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर तो वही बचेगा, और ये वाला टर्म किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, ये बात समझ पाए आप। तो अगर यह बात आप समझ पाए तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, ये सभी मिटा करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंटू में कॉस 2t, ठीक है मेरे भाई, ये आपका हो गया dx बाई dt, बात समझ पाए। अब हम देखेंगे y वाले टर्म को, ठीक है, देखना y इज इक्वल्स टू आपका है cos³t बटे में रूट cos 2t, ठीक है, हम क्या करेंगे dy बाई dt करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा d बाई dt ऑफ cos³t बटे में रूट cos 2t,
ये होगा, ठीक है, बिल्कुल देखना। यहाँ पर जो हम डिवाइड बाई डी टी, ये तो कंपलसरी है, देखो वही चीज़ न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, कॉस टू टी को छोड़ेंगे, डी वाई डी टी करेंगे, कॉस क्यूब टी का माइनस का सिंबल लगाएंगे, कॉस क्यूब टी को छोड़ेंगे और डी वाई डी टी ऑफ करेंगे रूट कॉस टू टी। यहाँ तक हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और बटे में जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है कॉस टू टी रूट में, उसका स्क्वायर करते हैं। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर जैसे प्रोसेस, जो प्रोसेस आपने यहाँ किया था वही प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई डी टी और जाएंगे सॉल्व करने, तो देखो यहाँ पर तो वही चीज़ रूट कॉस टू टी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। देखना इसको लिख सकते हैं कॉस टी का क्यूब, बिल्कुल कॉस टी का क्यूब लिख सकते हैं। देखो एक्स की पावर एन, तो हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब पावर आगे आएगा और एक्स में से कि जो एक्स की जो पावर है मतलब कॉस टी की जो पावर, उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो अभी हमने पावर का केवल डिफ्रेंशिएट किया था, ना कि एक्स का, मतलब पावर का डिफ्रेंशिएट किया, तो हमारा थ्री कॉस टी की पावर थ्री माइनस वन आया। तो फिर से हम करेंगे कॉस टी का डिफ्रेंशिएट, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी। यहाँ तक बात आप समझ पाए, कॉस टी हो गया। अब देखो कॉस क्यू टी को इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब कॉस क्यू टी ऐसे ही रहेगा। देखना यहाँ पर है डी बाई डी टी ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट बताओ, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, मतलब एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो उससे लिए नो प्रॉब्लम। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह है कॉस टू टी, ठीक है, इंटू में देखना डी बाई डी टी ऑफ करेंगे कॉस टू टी का। क्यों करेंगे, देखो हमने रूट एक्स का किया है अभी, केवल और केवल रूट एक्स का किया, तो 1/2 रूट एक्स आया, फिर हमको कॉस टू टी का करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो अब टोटल के बटे में आपका बचा क्या, टोटल के बटे में आपका बचा स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा केवल और केवल कॉस टू टी, ठीक है। अब और हम जाएंगे डिवाइड बाई डी टी सॉल्व करने, ठीक है, देखना यहाँ पर आपका बचा रूट में कॉस टू टी इंटू में थ्री कॉस स्क्वायर टी, इसमें कोई प्रॉब्लम, थ्री में से एक जाएगा, एक आएगा, तो इसको स्क्वायर टी लिख सकते हैं। देखो कॉस टी को हम लिख सकते हैं माइनस का साइन टी, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और टी का जब फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो कॉस क्यूब टी है, बिल्कुल है, बटे में देखो कॉस क्यूब टी इंटू में वन, तो कॉस क्यूब टी ही आएगा, और बटे में आपका आएगा टू अंडर रूट में कॉस टू टी, ये बात हो गई आपकी। अब देखना यहाँ पर मेरे भाई कि कॉस टू टी है, कॉस टू टी मतलब कॉस टू टी का होता है माइनस का साइन टू टी, माइनस का साइन टू टी, और जब टू टी का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू में टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखना इसके बटे में क्या हो जाएगा, कॉस टू टी, ये तो भैया पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। अब देखना मेरे भाई इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखने वाली बात कि देखो अभी नीचे वाले बटे को भूल जाओ, जैसे कि यहाँ पर किया था, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में वन, ठीक है। अब देखो वन और रूट कॉस टू टी का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, डीवाई बाई डी एक्स अगर देखें, सॉरी डीवाई बाई डी टी, सॉरी अभी नहीं, ठीक है, डीवाई बाई डी टी अगर देखें तो देखो अभी नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले देखो, वन रूट कॉस टू टी का अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हो जाएगा रूट कॉस टू टी, बिल्कुल हो जाएगा। वन से जब रूट कॉस टू टी में डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो रूट कॉस टू टी होगा, रूट कॉस टू टी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी रूट कॉस टू टी और यहाँ भी रूट कॉस टू टी, तो क्या हो जाएगा, कॉस टू टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और एक बात कि सभी मल्टीप्लाई में तो ऐसे ही लिख लिए जाएंगे, लेकिन माइनस यहाँ पर है तो माइनस आगे लगा लो, ठीक है। अब देखो थ्री इंटू में थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, सिंबल माइनस का लगाएंगे, देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखना कि रूट कॉस टू टी और रूट कॉस टू टी का जब फिर से डिवाइड कराएंगे तो वन आएगा, और वन का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखना माइनस और माइनस प्लस ही हो गया, बचा आपका कॉस क्यूब टी इंटू में साइन टू टी, ये आपका हो गया। देखना मेरे भाई कि डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी आपका आ गया। अब इससे ज़्यादा और सॉल्व आप मत करना, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर बैठेंगे। यहाँ तक अगर आप छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है।
अब हमको चाहिए क्या, dy बाई dx। हमको चाहिए कि dy बाई dx, अच्छा dy बाई dx को हम लिख क्या सकते हैं, देखो dy बाई dt और बटे में dx बाई dt। अगर हम dt से dt कैंसिल करा दें तो dy बाई dx ही तो हमारा आ जाएगा, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखना dy बाई dt का ये टोटल टर्म है, dx बाई dt का ये टोटल टर्म है, यहाँ से आप सॉल्व कर लें, आंसर आपका यहीं पर हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखना देखना आगे, थ्री यहाँ पर है, थ्री पहले लिख लेंगे, इसके बाद लिखेंगे माइनस को पहले आगे लगा लो, थ्री से पहले भी कॉस टू टी है, इसके बाद कॉस टू टी लिख लो, कॉस टू टी आपका हो गया, इंटू में कॉस स्क्वायर टी आपका हो जाएगा और इंटू में साइन आपका टी हो जाएगा। फिर प्लस का देखना, साइन टू टी है, साइन टू टी लिख लें, इंटू में कॉस क्यूब टी, ये हो गया मेरे भाई आपका। अब देखो टोटल के बटे में आप क्या लिखेंगे, जो आपका बचा अंडर रूट में कॉस टू टी इंटू में कॉस टू टी, ठीक है, तो अंडर रूट में हो गया कॉस टू टी इंटू में कॉस टू टी, डी एक्स बाई डी टी ये वाला टर्म लिख लेंगे, तो टोटल का बटे लगाएंगे, अपॉन में हम लिखेंगे क्या, थ्री को पहले लिख लो, इसके बाद आप लिखना कॉस टू टी इंटू में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, थ्री लिखा कॉस टू टी हुआ, साइन स्क्वायर टी हुआ, इंटू में कॉस टी, इंटू में कॉस टी, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, साइन टू टी पहले लिख लो, साइन क्यूब टी बाद में, साइन टू टी इंटू में साइन क्यूब टी, और टोटल के बटे में आपका हो जाएगा रूट में कॉस टू टी इंटू में कॉस टू टी। ठीक है मेरे भाई, हो जाएगा रूट में कॉस टू टी इंटू में कॉस टू टी, देखना रूट में कॉस टू टी रूट में कॉस टू टी कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो आपका बचा क्या, जो बचा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस थ्री कॉस टू टी इंटू में कॉस स्क्वायर टी, फिर इंटू में आपका बचा साइन टी, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, साइन टू टी इंटू में कॉस क्यूब टी, टोटल के बटे में आप लिखेंगे क्या, थ्री कॉस टू टी इंटू में साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे साइन टू टी इंटू में साइन क्यू टी। मेरे भाई ये आपका डीवाई बाई डीएक्स हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप कर देते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक नंबर भी काट नहीं सकता, ये हमारा आपसे समझ लो कि मैं ये कह रहा हूँ कोई काट नहीं पाएगा, ये समझ लेना। ठीक है मेरे भाई, तो ये देखना ये टू टी है, ठीक है साइन टू टी है, ये सब चीज़ें देखना क्या था, साइन टू टी लिखा था, ये साइन टू टी है, ठीक है एक में लिखा था वो सही से समझ नहीं आ रहा था, तो अब सही सब चीज़ें हैं, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ यार कोई नंबर काटेगा नहीं, यहाँ तक सब कंप्लीट है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर एट में देख लेता हूँ, देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट आपका है, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं यही क्वेश्चन बता देने के बाद ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करूंगा, क्योंकि बाहर जो है वो कुछ फंक्शन है। ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए नॉइज आएंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर बंद करूंगा ये क्वेश्चन बताने के बाद, थोड़ा जल्दी से देखते हैं। देखो एक्स इज इक्वल टू ए ब्रेकेट में कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू है, वाई इज इक्वल टू है ए साइन टी, ठीक है ये आपका क्वेश्चन रहा। देखना यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम डी एक्स वाई डी टी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई डी टी ऑफ डी वाई डी टी ऑफ ए कॉस टी प्लस का लॉग टैन टी बाई टू। ठीक है, अब देखना पहले हम एक्स को करेंगे फिर वाई को करेंगे, देखना डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ए आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट था उसको हमने बाहर ले लिया, बचा आपका डी बाई डी टी कॉस टी प्लस लॉग टैन टी बाई टू। ठीक है, ये आपका हो गया,
अब देखना दोस्तों, यहाँ पर तो आपका dx बाई डी टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर आपका a होगा, ठीक है। अब देखना कि डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे डी बाई डी टी को, तो यहाँ पर हो जाएगा cos t, बिल्कुल हो जाएगा, और प्लस का डी बाई डी टी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log tan t बाई टू, ये आपका हो गया। अब देखना दोस्तों, dx बाई डी टी इधर रहेगा, ये आपका कांस्टेंट है, ऐसे रह जाएगा। देखना cos 2t का, cos t का डिफरेंशिएशन, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन t, प्लस का सिंबल लगाएंगे। देखो log x मतलब tan t बाई टू को अभी x मानो, log x का अभी अभी मैंने बताया था कुछ, मतलब बहुत बार बताया, log x का होता है 1/x, मतलब x की जगह अगर tan t बाई टू है तो tan t बाई टू रखेंगे। फिर से करेंगे डी वाई डी टी ऑफ टैन टी बाई टू का, क्यों? क्योंकि हमने अभी लॉग का किया है, टैन का थोड़ी किया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी होगा, यहाँ पर ए आपका हो जाएगा, इसीलिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है मेरे भाई। माइनस साइन टी हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे। देखो 1/tan t/2 ऊपर जाएगा, कॉट टी बाई टू हो जाएगा, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 1/tan ऊपर कॉट हो जाएगा, ठीक है। देखना यहाँ पर कि टैन एक्स टी बाई टू को अभी एक्स मानो, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स की जगह टी बाई टू, तो कोई दिक्कत नहीं, टी बाई टू रहेगा। देखना मेरे भाई कि जब हम डी बाई डी टी टी बाई टू का भी तो करना पड़ेगा, क्यों? हमने केवल केवल टैन का किया, अभी टी बाई टू का तो नहीं किया ना, तो डी बाई डी टी ऑफ टैन बाई टैन डी बाई डी टी इंटू में टी बाई टू। तो यहाँ पर जब डी एक्स बाई डी टी करेंगे, देखो यहाँ पर भी टी रहेगा, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ए रहेगा, हाँ जी बिल्कुल रहेगा, माइनस का साइन टी प्लस का, समझने वाली बात कि कॉट टी बाई टू आप लिख क्या सकते हैं, कॉस टी बाई टू बटे में साइन टी बाई टू, और सेक स्क्वायर टी बाई टू क्या क्या लिख सकते हैं, 1/cos² t/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखना मेरे भाई कि यहाँ पर टैन सॉरी डी बाई डी टी टी बाई टू है, डी बाई टू में से हम 1/2 कॉमन ले ले रहे हैं, तो बचा क्या आपका डी बाई डी टी ऑफ टी, यही तो बचा। अब डी बाई डी टी मतलब डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसको ना लिख करके हम इंटू में 1 लिख देंगे, तो 1 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखने वाली बात कि देखना कि कॉस टी बाई टू से एक कॉस टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी बाई टू है, ठीक है, तो स्क्वायर से एक मतलब एक से एक कैंसिल, एक बचेगा आपका। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, यहाँ पर माइनस साइन टी, और प्लस का देखना यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 1 1 इंटू में है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 है, 2 पहले लिखो, फिर साइन टी बाई टू बचा, साइन टी बाई टू लिखेंगे, फिर क्या बचा बताओ, कॉस टी बाई टू बचा, बिल्कुल कॉस टी बाई टू लिख लेंगे। देखना मेरे प्यारे भाई डी एक्स बाई डी टी कितना आया बताओ, डी एक्स बाई डी टी, और सॉल्व करेंगे, देखो जहाँ तक सॉल्व कर पाओ वहाँ तक सॉल्व करो, ठीक है। माइनस का साइन टी है, माइनस का साइन टी है, हाँ जी बिल्कुल है, प्लस का सिंबल लगाया, हाँ बिल्कुल लगाया। देखो 1/1/2 sin t cos t मतलब 2 sin x cos x क्या होता है, साइन 2x, मतलब साइन 2x की जगह टी बाई टू है, हो गया मेरे भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। देखो बचा क्या, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, ए आपका कॉन्स्टेंट तो पहले ही बार हो गया था, माइनस का साइन टी प्लस 1/sin t। देखो और आगे सॉल्व करेंगे तो ए तो आपका रहेगा, यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे 1 का और साइन टी का, तो हो जाएगा साइन टी, देखो 1 से साइन टी में डिवाइड लगाएंगे तो साइन टी आएगा, और साइन टी इंटू में साइन टी माइनस का साइन स्क्वायर टी, क्योंकि माइनस आगे आपका लगा था। अब प्लस के पास जाएंगे, प्लस लगाएंगे साइन टी का, साइन टी से जब डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में तो 1 ही आएगा, बताओ मेरे भाई। जब डी एक्स बाई डी टी को और आगे ले जाएंगे तो ए, यहाँ ए बचा, और क्या बचा बताओ, देखो 1 - sin² t लिख सकते हैं, 1 - sin² t क्या होता है बताओ, cos² t, cos² t, और बटे में आपका होता है
वन माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, तो कॉस स्क्वायर टी बटे में साइन टी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कैसे, ए इंटू में, या आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहीं पर छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो आपका डीएक्स वाई डी टी आएगा यहाँ पर छोड़ दें। अब हम वाई वाले को लेंगे, ठीक है, वाई को लेकर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका आ गया, देखना, तो वाई इज इक्वल टू है क्या आपका ए साइन टी, बहुत ही आसान है, ए साइन टी है, तो देखना जब डी वाई बाई डी टी करेंगे तो डी वाई डी टी ऑफ ए साइन टी हो जाएगा। आगे जब और जाएंगे यहीं पर देखते हैं कि जब डी वाई बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन टी का आपका हो जाएगा कॉस टी, बस काम खत्म, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी टी इतना आ गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको हम लिखेंगे डी वाई को डी वाई बाई डी टी और डी एक्स को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा आपका वही आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी देखो कहाँ पर है, डी वाई बाई डी टी देखो ये अभी आपने निकाला ए कॉस टी, मतलब ए कॉस टी आपका है डी वाई बाई डी टी, बटे में लगाएंगे डी एक्स बाई डी टी कहाँ, बताओ डी एक्स बाई डी टी देखो यहाँ पर है, क्या है ए है और है आपका कॉस स्क्वायर टी बटे में है साइन टी, ठीक है, देखना ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, और नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, समझ पाए, तो यहाँ पर जो आपका आएगा डिवाई बाई डी एक्स वो कितना है, देखो ए से एक कैंसिल हो गया, कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल हो गया, साइन एक टी का ऊपर मल्टीप्लाई होगा वन में, तो साइन टी और बटे में आपका बचा कॉस टी बराबर टैन टी, तो यहाँ पर डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई टैन टी। तो हमें नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रही होगी, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसको आप नोट डाउन कर लें, और आज के लिए मैं बस इतना ही करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, इसकी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है मेरे भाई, इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि बाहर फंक्शन है, अभी कुछ देर के लिए मैंने रोका था, तो अब बाद में मैं कह दूंगा तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसीलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन, थैंक यू मेरे भाई।